यूपी में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, टोटल 445 पोस्ट है। डी फार्मा अगर आप करके एक फार्मासिस्ट बने हैं तो आप मेन टारगेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म वो डी फार्मा वाले ही कर रहे हैं। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं फिर भी कर सकते हैं। आज के इसी वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि इसका चयन प्रक्रिया क्या है, यानी सेलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम होगा तो कितना कितना नंबर कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, और आपको कितना नंबर लाना होगा इस जॉब को पाने के लिए। राइट जी, तो आपके स्क्रीन पे कंप्लीट डिटेल में नोटिफिकेशन दिख रहा है, इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल बात कर लिया है, लेकिन इसी वीडियो में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देते चलूं ताकि आपको थोड़ा कुछ क्लियर हो जाए अगर आप नए हैं तो। हालांकि कंप्लीट डिटेल आप जानना चाहते हैं तो इधर आई बटन चेक कीजिए, ये जो थंबनेल यहां पे लग जाएगा वीडियोज का, ये जो वीडियोज है इस वीडियो में कंप्लीट बताया गया है। राइट जी, और इस वैकेंसी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। राइट जी, आते हैं कंप्लीट वीडियोज पे, यहां देखिए। राइट जी, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के तहत जो है ये जॉब आया हुआ है। टोटल कितना है भैया, तो 17,000 प्लस पोस्ट है, लेकिन भाई टोटल फार्मासिस्ट का नहीं है, फार्मासिस्ट का इसमें मात्र है 445। हालांकि ये बहुत है, 445 है फिर भी बहुत पोस्ट है। चलिए थोड़ा सा मैं अपने पेन का कलर जो है चेंज कर लेता हूँ, अगेन यहाँ पे आएगा मज़ा अगर हम आपको समझाएंगे क्लियर से तो। राइट जी, यहाँ पे देखिए है NUHM, राइट, इसका फुल फॉर्म है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं DHS यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। यहाँ पे फार्मासिस्ट की पोस्ट की बात करेंगे तो कुछ 209, और यहाँ पे बात करेंगे तो कुछ 46। सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगेन आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना यहाँ पे जॉब है, कितना कितना पोस्ट है, अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरी हैं उसके लिए। यहाँ पे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण, यहाँ पे कुछ वैकेंसीज हैं जो पोस्ट हैं, 186 पोस्ट है, सैलरी कुछ यहाँ है, और जो भी आपका कंप्लीट डिटेल है वो डिटेल आप यहाँ पे देखते जाइए। टोटल यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो 17,219, लेकिन मेन जो है भैया कि चयन प्रक्रिया क्या है उस पे आओ। राइट जी, यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं कोविड का एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में नोट्स दिया हुआ है, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको रिरेज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे कितना कितना किसको किसको छूट दी जाएगी आप क्लियर से पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को हमने डिटेल में जो है कि अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है। आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए, ज़्यादातर जो लोगों के बीच कन्फ्यूजन्स आए, कुछ मेरे पास अभी तक जो कमेंट्स वगैरह आ रहा है कि भाई 100 नंबर का टोटल होना है। राइट जी, यहाँ पर आप अगर आएँगे, मैंने हाईलाइट करके टोटल चीजें रखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। वीडियो जहां से मेन अगर बात करें तो स्टार्ट हो भाई, चयन प्रक्रिया कैसे है, टेस्ट अगर होगा तो कैसे होगा, तो जहां पे आप पॉइंट को पढ़ो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। राइट जी, टोटल इसमें जो है कि 100 मार्क्स का होने वाला है। कितना घंटा टाइम मिलेगी भाई, तो टाइम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी टोटल मिला करके 2 घंटा आपको टाइम मिलने वाली है। टोटल जो है 100 मार्क्स का होने वाला है। सेक्शन ए जिसमें 80 मार्क्स, जो कि टोटल आपका प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, जस्ट लाइक कि मेडिसिन वगैरह जो आप पढ़े हो अपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेकेंड ईयर में, वो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा, लेकिन आप इतना समझ के लीजिए कि जो आप अपने डी फार्मा के टाइम पर स्टडी किया हो ना, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, उससे मिला करके टोटल 80 नंबर, और 20 नंबर आने वाला है आपका अदर से। अदर में क्या क्या है उसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा। तो टोटल 100 कितना रहेगा भैया, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अदर की हम बात करें तो अदर में क्या, देखिए, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इससे मिलाकर के टोटल भैया कितना रहेगा, 20 मार्क। राइट, यानी 20 नंबर। इसमें किसी प्रकार का निगेटिव मार्क नहीं है, सबसे मेन पॉइंट। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई फीस भी आपको पे नहीं करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो निगेटिव मार्क भाई नहीं है, नो निगेटिव मार्क्स। राइट, अब यहाँ पे आइए भैया, कितना कितना लाना है पासिंग के लिए, तो यहाँ देखिए जनरल के लिए जो है 33 यानी 33 नंबर आप बोले या 33% बोले, या ओबीसी की बात करें तो 30 यानी 30 नंबर बोले या 30% बोले, क्योंकि भाई टोटल फुल जो है 100 आपका ये है, इसमें एमसीक्यू और एक नंबर का एक एमसीक्यू होने वाला है, इस तरह से कुछ जो इन्होंने दिया हुआ है। राइट, इसी प्रकार से SC ST कैटेगरी की बात करें या PWD की बात करें तो 24 नंबर या परसेंटेज, दोनों को बात बराबर है भैया, कितना में, 100 में। तो इतना लाओगे आप
तो आप जो है पास आउट हो जाओगे, आप क्वालिफाइड हो जाओगे। लेकिन इसके बाद आपकी बनेगी मेरिट, तो ध्यान रखिएगा लाखों की संख्या में जो है किसको अप्लाई करेंगे, लगभग लगभग ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 लाख+ लोग तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, उसमें आपको कम्पीट करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा भाई, अगर आप उदित फार्मेसी की वीडियोज देख रहे हो तो होता क्या, हमने बहुत बार फार्मासिस्ट जो बने हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट उनसे हमने बात करने का प्रयास किया कि क्या कुछ है, कैसे इसकी चयन प्रक्रिया है, देन कैसे जॉब मिलता है, अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए। तो उनका कुछ कहना था कि देखिए जी, इसमें ज़्यादा जिस प्रोग्राम में वैकेंसी रहती है, ज़्यादा पोस्ट रहता है, जैसे जहाँ पे हम बात करें तो 209 पोस्ट है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं, नीचे आ जाइए कि यहाँ पे जो फार्मासिस्ट का पोस्ट है भैया, यहाँ पे 46 है, तो शायद इसके लिए बहुत कम करें। लेकिन नहीं, मैं रिकमेंड कोई कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मली से बता रहा हूँ कि इस तरह का यहाँ पर होता है। और यहाँ पर बात करें नेशनल प्रोग्राम में, तो यहाँ पर मात्र 4 पोस्ट है, तो शायद इसके लिए और भी कम लोग करें। तो जहाँ पे ज़्यादा होती है उस प्रोग्राम के लिए लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं और वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन कभी काल क्या होता है कि जहाँ पे बहुत कम पोस्ट हैं उसके लिए लोग उस प्रोग्राम के लिए लोग अप्लाई करते हैं और उन्हें आसानी से मिल जाता है। तो एक नॉर्मली कुछ आइडियाज है, आप लगा सकते हैं। मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको कि आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, राइट जी। मैं ये भी बता दी आपको कि कितना नंबर लाना है, देन कैसे आपका चयन प्रक्रिया होगी। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। तो भैया, इंटरमीडिएट करोगे तभी आप अपना फार्मेसी करोगे, फार्मेसी आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, लेकिन अभी जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है सिर्फ डी फार्मा मॉलिक्यूलर है, राइट जी। अगर आप डी फार्मा किए हो तो आपका हो रहा है। और यहाँ पे एज लिमिट वगैरह कुछ ये है, हालांकि हमने कंप्लीट डिटेल उस वीडियो में बात किया था, राइट। चलते हैं कंप्लीट जो है अपना सिलेबस पे। अब यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, कुछ छूट वगैरह जहाँ भी दी हुई है, जैसा कि कोविड में वहाँ था, एज लिमिट के लिए कुछ छूट यहाँ पे है। तो ये वाला प्रश्न आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई खास नहीं, बहुत नॉर्मली सी ये चीज़ है, ठीक। छूट वगैरह बहुत जगह मिलता है, कोविड में आप काम किए फिर भी आपको छूट मिलेगा। देन यहाँ पे कैटेगरी वाइज कुछ और जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी कुछ कुछ यहाँ पे छूट है, राइट जी। आ जाते हैं मेन सिलेबस पे। सिलेबस जो है सबसे नीचे दिया हुआ, ये क्या है भैया, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी कितनी अलग अलग पोस्ट हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन मेन में आ जाता हूँ सिलेबस पे, ओके जी। यहाँ पे आ गया मैं कंप्लीट सिलेबस पे, जो कि फार्मासिस्ट एलोपैथिक की वैकेंसी जो है इसका, यूपी एनएचएम का, इसका सिलेबस कंप्लीट ये है, राइट। इस सिलेबस की हम बात करें तो क्या क्या पढ़ना है भैया, फार्मास्यूटिक्स पढ़ना है, जो आप डी फार्मा में पढ़े हो, क्या पढ़े भैया, मेट्रोलॉजी पढ़े हो, प्रिस्क्रिप्शन पढ़े हो, स्टलाइजेशन पढ़े हो, टैबलेट पढ़े हो, कैप्सूल पढ़े हो, फार्मास्यूटिक्स से टोटल इतना ही पूछने वाला है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो भैया एसिड बेस एंड बफर पढ़े हो, ये सारा चीज़ आपका पढ़ा हुआ ही है, लाइक ऐसा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड या एंटीमाइक्रोबियल या ड्रग या एनेस्थेटिक वगैरह, ये सारा डिटेल आप जो है अपने डी फार्मा में और भी बहुत डीप पढ़े हो, राइट। आगे हम बात करें कुछ, तो यहाँ पे फार्माकोग्नोसी की बात करें तो फार्माकोग्नोसी में एडल्ट्रेशन वगैरह, फार्मास्यूटिकल एड वगैरह, मिसलेनियस ड्रग वगैरह, ये जो है ये सारा चीज़ें आप अपने डी फार्मा के टाइम पे पढ़े हो। लेकिन अभी के टाइम पे आपको रिविजन करना पड़ेगा और खास तौर से एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, यहाँ पे फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इस तरह से फार्माकोलॉजी, ज्यूरिसप्रूडेंस, राइट। आगे हम बात करें तो ड्रग स्टोर, बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। और यहाँ पे जो मैं बात किया था 20 नंबर का भैया, वो टोटल इससे बनने वाला है, किसे भैया, जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस या बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस है, 80 नंबर टोटल आपका बनने वाला है कंप्लीट, जो आप डी फार्मा में पढ़ो, जो कि सिलेबस यहाँ पे हमने सभी टिक करके बता दिया आपको, और 20 नंबर यहाँ से, ग्रेट। अब तैयारी कैसे करना है, तो भाई तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर आप कहाँ से कर सकोगे भाई, तो हमने एक बना रखा है आपके लिए कोर्स, जो कि मैं पीपीटी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर जानकारी हो जाए उसके बारे में, किस बेस आपको तैयारी करना है, अगेन वहाँ पर क्या क्या आपको मिलने वाला है, राइट जी। तो ये हमने इस प्रेजेंटेशन को ओपन कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये कंप्लीट एक कोर्स है, जो कि डेडिकेटेड है नेशनल हेल्थ मिशन, जो आपका यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो वैकेंसी आई है एनएचएम की, इसी के लिए। इसमें जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है, टोटल सिलेबस का मिलेगा आपको कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर फर्स्ट नंबर पे। इसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों रहेगा, ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एंड लाइव के फॉर्मेट में कंप्लीट डाउट क्लियर कराया ही जाएगा। लाइव का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जाता है, क्योंकि कुछ डाउट्स रहेंगे आपके, लाइव में जुड़ गए तभी डाउट अपना क्लियर करवाओगे। 15 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी लाइव की, रिकॉर्डेड क्लासेस अभी से स्टार्ट है, टेस्ट वगैरह, मॉडल पेपर वगैरह सारा चीज़ें हमने अपलोड कर रखा है अपने ऐप पर, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। कैसे विजिट करना है, कैसे ज्वाइन करना है, उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल बात करते हैं। अगेन उसका आपको मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स, ई बुक वगैरह भी, सिलेबस वाइज कंप्लीट
टेस्ट रहेगा सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है, इस लाइन को आप मान सकते हो, क्योंकि ये जो है सिलेबस वाइज टेस्ट यही आपका मेन है। यहीं से आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर जाओगे। मॉडल पेपर का इसमें प्रैक्टिस कराएंगे। अगेन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कैसे आपको तैयारी करना है, राइट जी। कोर्सेज को ज्वाइनिंग कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो भाई सबसे फर्स्ट में आपको ये जो उदित फार्मेसी का एप्लीकेशन दिख रहा है, इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, राइट। स्टेप ये वन है आपका, प्ले स्टोर ओपन कीजिए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, अगेन ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पे आप अपना नाम और ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, ओटीपी आएगी, ओटीपी आप ऑलरेडी फिल कर लोगे, मोबाइल नंबर करके जैसे ही प्रोसीड करोगे आपके पास ओटीपी आ जाएगी। यहाँ पे थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको नाम और ईमेल आईडी फिल करना है। अगेन फोर्थ नंबर पे एप्लीकेशन हो जाएगा लॉगिन, ग्रेट। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, स्टोर के ऑप्शन पे आपको दिख जाएगा यहां पे दूसरे नंबर पे, राइट जी। स्टोर के ऑप्शन जो आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपको आपका कोर्स जो है फाइंड करना पड़ेगा। पहला नंबर पे आपको दिख जाएगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स, यहां पे दिख जाएगा डी फार्मा सेकंड ईयर का कंप्लीट कोर्स, यहां पे दिख जाएगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स, अगेन यहां पे आपको दिख जाएगा डी फार्मा का जो अभी यहां पे यूपी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है यानी नेशनल हेल्थ मिशन, उसका कंप्लीट कोर्स जो है कि कंप्लीट, इसका प्राइस है अभी के टाइम पे अगर आप जुड़ते हो तो मात्र 399। उसके आगे यहां पे एंट्रेंस एग्जाम और यहां पे सॉरी एग्जिट एग्जाम का भी एक कोर्स है जो कि डी फार्मा के बाद होने वाला एग्जाम है रजिस्ट्रेशन के लिए नए स्टूडेंट के लिए। लेकिन आपके लिए हमने ये जो कोर्स कंप्लीट बता रखा है, इस कोर्स को आप पा सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के स्टोर ऑप्शन पे क्लिक करके। बाकी इस कोर्स रिलेटेड कोई डाउट है, कोई समस्या है, एप्लीकेशन से रिलेटेड चलाने में दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। बाकी जो कंप्लीट आपका सिलेबस है, जैसा कि हमने आपको सिलेबस दिखाया था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि ये जो कंप्लीट सिलेबस आपका है, इस सिलेबस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी हमारे कंप्लीट कोर्सेज में जो कि स्पेशली हमने लॉन्च किया है, इसी सभी सिलेबस को सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ताकि जितने भी डी फार्मा के स्टूडेंट हैं जो डी फार्मा करके और अभी बैठे हुए कुछ दिनों से फॉर्म अप्लाई किया है, उनको थोड़ा डाउट्स है कि मेरा बेसिक जो है अपने कॉलेज लाइफ का थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, तो कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो आज को दिया जाएगा था, इससे आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। कंप्लीट इसमें आपको एमसीक्यू टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकोगे। इसी के साथ साथ मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, लाइव में एमसीक्यू और थ्योरी दोनों चलेगी, लाइव का भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें। बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा उदित फार्मेसी के चैट सेशन में। कहाँ भैया? तो यहाँ देखिए जो पीपीटी है यहाँ पर हम दिखा रहे थे नेक्स्ट पे, इसको मैं थोड़ा सा प्रेजेंट कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए एक चैट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा स्टोर के बगल में। तो अगर आप कोर्सेज में ज्वाइन होते हो तो आपको सेपरेट ऑटोमेटिक एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप में आप जुड़ जाओगे और उस ग्रुप में एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये था एक कंप्लीट डिटेल कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या सिलेबस है, कितना कितना मार्क्स कहाँ से कहाँ से आएगा, कैसे कैसे छूट है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड, इस जॉब से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप वीडियोज के नीचे कमेंट कीजिए। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड कोई डाउट है तो ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर कॉल कीजिए। कोर्सेज का कंप्लीट डिटेल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप क्लिक करके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।